सो गाइस, ये होने वाला है व्हील वर्ल्ड का एपिसोड 40। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा कि एप एलिगेटर टॉर्टोइस के अंडो का मटेरियल खाने के बाद ज़ोंगमेन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था एंड येलो पिल के पास भी एक टैलेंट आ गया था कि वो अपने शरीर के बालों को एक कांटे की तरफ फेंक सकता है। लेकिन हाँ, इसकी वजह से वो पूरे के पूरे बाल झड़ गए थे एंड वो काफी ज्यादा भद्दा लग रहा था। एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो येलो फुल होता है वो अभी भी खा रहा होता है एंड दूसरी तरफ ज़ोंगमेन एक दीवार के पास जाकर बोलता है, अब जितना भी यहाँ पर मटेरियल बचा हुआ है वो तुम खा सकते हो, लेकिन उन दो एक्स को बिल्कुल छूना भी मत, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक हॉस्पिटल देखने को मिलता है जो कि है डेजर्टेड हॉस्पिटल। एंड उसके बाद हम ज़ोंगमेन को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल के आसपास ही होता है एंड उसके बगल में एक कार भी रखी हुई है। उसके बाद ज़ोंगमेन उस कार पर अपना हाथ रखता है एंड बोलता है, अब मुझे फ्रंटियर मून बना लेना चाहिए। एंड उसके बाद ज़ोंगमेन अपनी वही टेक्निक आर्टिजन स्किल को एक्टिवेट करने लगता है एंड ये नजारा देखने में काफी ज्यादा अच्छा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं ज़ोंगमेन जो उस कार पर अपना हाथ रखे हुए था वो कार अब एनहेंस होने लगती है एंड उस कार की काफी अच्छी क्वालिटी वो अपने खंजर में डालने लगता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद जो ज़ोंगमेन का खंजर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा चमकने टाइप का लगता है एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होने लगता है। एंड उसे देख कर ज़ोंगमेन सोच रहा था, इस वक्त मेरे पास एप एलिगेटर टॉर्टोइस के क्लॉस एंड फैंग्स हैं, वन रैंक के टू मैजिक क्रिस्टल्स हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं ज़ोंगमेन जो अपने उस खंजर को और भी ज्यादा बेहतर बना रहा था, उसके चारों तरफ काफी ज्यादा रोशनी आने लगती है। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं जो ज़ोंगमेन का खंजर था वो कतई स्टाइलिश, कतई अच्छा दिखने लगा है एंड उसे देख कर ज़ोंगमेन बोलता है कि आखिर मुझे इस काम को सक्सेसफुल हो ही गया। उसके बाद ज़ोंगमेन अपने उस खंजर को ट्राई करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है एंड वो उसे एक लोहे के खंभे के पास आकर घुमाता है एंड दोस्तों एक ही बार में जो लोहे का खंभा था वो कट जाता है। एंड उसके बाद हम ज़ोंगमेन को देखते हैं जो देख रहा था कि वाह यार, इस खंजर ने कितनी ज्यादा सफाई के साथ इस पाइप को काट दिया है और अपनी इस टेक्निक के साथ मैं कुछ वेपन्स बना सकता हूँ लियांगिन और दूसरों के लिए, इससे उनकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं ज़ोंगमेन अपने हाथ में एक अंडे का मटेरियल लेकर अपने उस बेस पर आ गया था, वहीं पर उसका वो टैंक भी रखा हुआ है, मेरा मतलब ट्रक। एंड जो टीचर पू और लियांगिन होती है वो नोटिस कर लेती है कि ज़ोंगमेन यहाँ पर वापस आ गया है। वो बोलती है कि ज़ोंगमेन तुम आ गए एंड हम देखते हैं ज़ोंगमेन के साथ उसका येलो पिल भी था। एंड दोस्तों, येलो पिल के सारे बाल वापस आ गए हैं क्योंकि उसकी जो स्पीड है रिकवर करने की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है उस अंडे के मटेरियल को खाने के बाद। उसके बाद ज़ोंगमेन उन दोनों से बोलता है, क्या मुई यहाँ से जा चुकी है और तुम दोनों कैसा फील कर रही हो, कुछ चेंजेस आए तुम्हारी बॉडी में? तभी लियांगिन एक और इशारा करती है एंड बोलती है, जिन तरह के ज़ोंबी से अभी हमने कुछ देर पहले फाइट किया उन्हें मारना काफी ज्यादा आसान था, यानी कि दोस्तों इनहेंस मेडिसिन को खाने के बाद टीचर पू और लियांगिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है एंड उन्होंने कुछ ज़ोंबीज को भी मारा है जिनके क्रिस्टल्स वहीं पर रखे हुए थे। जो लियांगिन है वो बोलती है, क्या हमारी बॉडी काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, सो हम ऐसे ज़ोंबीज को बड़े आराम से मार सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टीचर पू आखिर किस चीज से डरी हुई है। सो तभी टीचर पू बोलती है कि हे, उस टाइम पर तुमने भी वहाँ उल्टियाँ कर दी थी, है ना? लियांगिन बोलती है कि अरे, हर एक की जिंदगी में एक ना एक दिन तो आता ही है कि जब उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और दर्द का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद ज़ोंगमेन उन क्रिस्टल्स को देखकर बोलता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया और वो सोच रहा होता है ये जो क्रिस्टल्स लेकर आई हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अब वो एपोकलिप्स की दुनिया में रहना सीख गई हैं, मैंने उन दोनों में जो इन्वेस्टमेंट की है वो इस तरीके से जाया नहीं गई। उसके बाद ज़ोंगमेन उन दोनों को उस अंडे का मटेरियल दिखाते हुए बोलता है कि तुम दोनों इसे ले लो और खा लो। उसे देख कर लियांगिन बोलती है कि आखिर ये क्या है? हाँ, सो ज़ोंगमेन बोलता है, ये एक ऐसे तरह का खाना है जो तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड दूसरी तरफ जो ज़ोंगमेन था वो सोच रहा था, ये सब यहाँ पर होने के बाद मुझे पर लेक जाना है और मुझे वो चीज भी चाहिए और मैं उसे पाकर रहूंगा। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ज़ोंगमेन को देखते हैं जो एक एप एलिगेटर टॉर्टोइस के अंडे को अपने ट्रक में रख रहा था। उस वक्त वो सोच रहा था कि हमारे पास अभी भी एक एप एलिगेटर टॉर्टोइस का अंडा बचा हुआ है, इसी वजह से मुझे इसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए। एंड उसके बाद जो ज़ोंगमेन था वो दूसरी तरफ घुमा कर देखता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो टीचर पू और लियांगिन थे वो दूसरे अंडे को मटेरियल को खा रहे थे ताकि उनकी बॉडी की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाए। एंड वहीं पर मस्त आराम से येलो पिल भी बैठा हुआ था एंड वो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था जब वो दोनों खाना खा रही थी। सो जो टीचर पू होती हैं वो अपने खाने का एक हिस्सा उसे दे देती हैं और बोलती हैं, हे, हमें एक दूसरे से जुदा हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, कुछ देर पहले ही हम एक दूसरे से मिले थे, लेकिन अचानक तुम इतने ज्यादा भद्दे कैसे दिखने लगे? हाँ, लियांगिन भी बोलती है, हम दोनों ने कितना ज्यादा खाना खा लिया, हम जरूर से मोटे हो जाएंगे।
लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो टीचर पू होती है उनकी बॉडी में उन्हें अलग टाइप की एनर्जी फील हो रही होती है। वो बोलती है लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि इसे खाने के बाद मेरी बॉडी की फिजिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड मेरी एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इस ईट को खाने के बाद। उसके बाद ज़ोंगबिंग डियांगिंग से बोलता है खाना हो गया तुम्हारा, अगर तुमने खाना खा लिया हो तो मेरे पास आओ, मेरे पास कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड उसके बाद लियांगिंग ज़ोंगबिंग से बोलती है कि आखिर वो क्या है, एंड जो टीचर पू होती है वो भी वैसी तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो ज़ोंगबिंग होता है वो लियांगिंग की ओर अपना हाथ बढ़ाता है एंड उसके हाथ में एक चाबुक होता है जो उसने लियांगिंग के लिए ही बनाया हुआ है एंड उसे देखकर लियांगिंग बोलती है कि ये, एंड उसके बाद ज़ोंगबिंग उसे बोलता है इसे एक बार ट्राई कर लो एंड देख लो कि ये अच्छे से तुम्हारे लिए काम करेगा या नहीं, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं तो ये तुम्हें दे दूंगा, ओके। एंड उसके बाद जब लियांगिंग उस चाबुक को अपने हाथ में लेती है तो वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जब वो उसे एक बार घुमाती है तो वो देखती है ये तो काफी बढ़िया है लेकिन मुझे इसका यूज करना एक बार देखना होगा। उसके बाद लियांगिंग थोड़ा फोकस करके उस चाबुक का इस्तेमाल करती है अपने चारों ओर एंड दोस्तों हम देखते हैं कि जिस जगह पर उसने उस चाबुक का इस्तेमाल किया था वहां पर गड्ढे टाइप के हो गए हैं एंड ये जो चाबुक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इस चाबुक को देखकर लियांगिंग बोलती है जब मैं इसे पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकती हूँ, जैसे कि ये मेरे शरीर का कोई हिस्सा ही हो, जैसे ये चीज सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। उसके बाद लियांगिंग खुश होते हुए बोलती है एंड अपोकैलिप्स के पहले मैंने थोड़ा बहुत इसी तरह की थोड़ी स्ट्रेचेस भी सीखी हुई हैं, अब मैं तुम्हारी मदद जरूर से कर पाऊंगी। एंड उसके बाद ज़ोंगबिंग की नज़र टीचर पू पर पड़ती है जो ये सब देख रही थी। तभी ज़ोंगबिंग टीचर पू से पूछता है आखिर आपको कौन सा वेपन चाहिए टीचर पू। सो तभी टीचर पू जवाब देती है क्या मुझे भी एक वेपन मिल सकता है। सो तभी जो टीचर पू होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए एंड वो उस वक्त थोड़ा अजीब फील कर रही थी। सो उन्हें देखकर ज़ोंगबिंग बोलता है आप थोड़ा बहुत इस बारे में सोच लीजिए एंड उसके बाद अपना जवाब बताइएगा। और उस वक्त वो सोच रहा था ये काफी ज्यादा नॉर्मल है, इस टाइम से पहले किसी ने भी किचन नाइफ के अलावा किसी तरह का वेपन यूज नहीं किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो लियांगिंग होती है वो अपने बाल बांधने लगती है ताकि वो अच्छे तरीके से फाइट कर पाए और वो बोलती है क्या अब हम पढ़ लिख जाने वाले हैं। सो ज़ोंगबिंग बोलता है हाँ, आखिर हमने अब तक जो कुछ भी किया वो इसी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए किया। एंड उसके बाद ज़ोंगबिंग बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, हम जब वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ पर ना सिर्फ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स ही नहीं मिलेंगे लेकिन वहाँ पर हमारी फाइट ह्यूमन से भी हो सकती है, क्या तुम मेरे साथ आओगी, देखो मैं तुमसे एक और बार पूछ रहा हूँ। सो लियांगिंग काफी ज्यादा उत्साहित तरीके से बोलती है कि हाँ। टीचर पू बोलती है क्या मैं भी वहाँ पर तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी, अगर तुम्हें लगता है कि कर पाऊंगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करूंगी तो। सो तभी ज़ोंगबिंग बोलता है तो प्लीज आप भी आइए हमारे साथ, मैंने ये कहा है कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर हम वहाँ पर सक्सेसफुल हो गए अपना काम करने में तो हमें क्या कीमती चीज़ मिलेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं जो हमारे ग्रुप का ट्रक होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा स्पीड में पर्ल लेक की ओर जा रहा था एंड उसे ड्राइव कर रहा था और कोई नहीं ज़ोंगबिंग, जो उस वक्त सोच रहा था मेरी पिछली जिंदगी में मैं अपने घर से बाहर तब निकला था जब मैंने अपने घर का सारा खाना खा लिया था और मुझे घर से बाहर निकलने में ना बहुत टाइम लगा था। एंड हमें पास्ट का ही कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर ज़ोंगबिंग अपने चारों ओर एक डंडा लेकर वहीं घूम रहा था एंड वो वहां पर कुछ खाने के लिए ही ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी बगल वाली जगह पर एक जगह काफी ज्यादा बड़ा विस्फोट हो जाता है एंड वो विस्फोट इतना ज्यादा बड़ा था कि उसकी जो हवाएं थी वो ज़ोंगबिंग के पास आ रही थी। एंड उसके बाद जो ज़ोंगबिंग था वो अपनी एक आंख खोलकर देखता है कि आखिर ये था क्या था ये, वो अब दूसरी तरफ देखता है लेकिन तभी अचानक उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से वो कांपने लगता है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे ज़ोंबीज थे जो ज़ोंगबिंग के पास आ रहे थे। हाँ दोस्तों माफ करना, ये ज़ोंगबिंग के पास नहीं उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो रोशनी गिरी है। एंड दोस्तों हम देखते हैं नीचे वाले ज़ोंबीज नहीं बल्कि बिल्डिंग्स पर जो ज़ोंबीज थे वो वहां से छलांग मार के नीचे गिरकर उस लाइट की तरफ जा रहे थे एंड वहां पर एक और व्हील था और ज़ोंगबिंग ने इसी मौके का फायदा उठाकर उनके बीच में से निकल गया। बेचारा उस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था एंड उसके बाद ज़ोंगबिंग गली में आ गया था। उस वक्त सोच रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये ज़ोंबीज पागल हो गए हैं, वो हर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अपने आसपास की हर एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं एंड वो बस उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर वो रोशनी चमक रही है, और आखिर वो रोशनी अचानक से कहां से आई, मुझे ऊपर जाना चाहिए और बाकी सारी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ज़ोंगबिंग कमरे में आ गया था एंड वो खिड़की से सारी चीजें देख रहा था लेकिन तभी अचानक एक चीज पर ज़ोंगबिंग की नजर पड़ी थी एंड वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। हम देखते हैं वहां पर जो बिल्डिंग्स थी वहां पर मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा विस्फोट हो गया था जिसकी वजह से आसपास की सारी बिल्डिंग्स उड़ गई थी एंड ये देखकर ज़ोंगबिंग काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर यहाँ पर
क्या हुआ। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर, और जानना चाहते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, आखिर किस चीज की वजह से सारी की सारी बिल्डिंग उड़ गई, सो देखना अगला एपिसोड, क्योंकि ये एपिसोड तो समाप्त हो गया। और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।